हेलो डिवाइन सोस, आप सब कैसे हैं? नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूं गिस्टो। आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला पिछली वीडियोस में, जो मैंने मीनिंग बताई थी आपको 11-11 का और 69 का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको इस तरह के रिपीटेड नंबर दिख रहे हों। हमारे विचार ही वस्तु बनते हैं, नेपोलियन हिल की बुक जिसमें बताया है थिंक एंड ग्रो रिच, किस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में अप्लाई होता है। ये यूनिवर्स पूरा एक एनर्जी के फॉर्म में, आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी होंगी उसी तरह से आपके लाइफ में कुछ इवेंट्स भी होते हैं, उसी तरह के आपको नंबर्स भी दिखते हैं। ये नंबर्स को देख कर, अगर हम फ्रिक्वेंटली कोई नंबर्स दिख रहे हैं, आपने क्लॉक देखा, आपने कोई नंबर प्लेट देखी, एनीथिंग रिपीटेड कुछ नंबर दिख रहे हैं, तो उसकी मीनिंग क्या है? बचे हुए सारे नंबर इस वीडियो में कवर करेंगे, मोस्टली कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे आप भी इस वीडियो से बहुत सारा फ़ायदा ले सकें इसकी मीनिंग जानकर। और आपने ट्विन फ्लेम साइंस देखे हैं, अपने कितने मैच करते हैं, बहुत सारे लोगों के मैच करते हैं। कब आप किसी बर्थ में अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाते हैं, और क्या साइन मैच करने पे ये पता चल सकता है कि हम ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं? किस रिलेशनशिप में और भी आपको ट्विन फ्लेम साइन जैसे मैच मिलता है, इस पे भी बात करेंगे। क्योंकि पर्सनल सेशन के दौरान कल एक लेडी ने ये क्वेश्चन पूछा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है बट मेरे शाइन क्यों मैच कर रहे हैं सर, तो इसका मीनिंग भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे ज़्यादा पहले जान लेते हैं नंबर्स का मीनिंग। देखिए, यूनिवर्स हमको जैसे बटरफ्लाई हो गया, कोई बर्ड्स हो गया, इस तरह से आपको जब यूनिवर्स से क्वेश्चंस करते हैं तो आपको आंसर कहीं ना कहीं से मिल जाता है। ये आप वीडियो आपके सामने आई, आपने ओपन किया, किसी तरह तक आप तक पहुंची, तो सम काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहता है, कुछ चीज़ें बताना चाहता है। तो यूनिवर्स के उस मैसेज को डिकोड करना, अपने आप को समझना, अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करना, ये सब आपकी जर्नी का पार्ट है। आप चाहे ट्विन फ्लेम की जर्नी हो, चाहे आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, तभी भी आप इस तरह के मैसेजेस पाएंगे। इस सारे मैसेजेस में कुछ लोगों को सीरीज़ में नंबर दिखते हैं, जैसे कि 4, 5, 6, या डिजिट के दोनों तरफ एक ही डिजिट है, जैसे 1, 3, 1 या 59, 69। तो मैंने बताया उसमें आपके जो रिस्पांस आया, तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा फ्रीक्वेंटली नंबर चेंज होते हुए लोगों को सबसे ज़्यादा दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, चेंज मतलब आपको 1 दिखता है, डैट इज़ गुड, उसकी मीनिंग आप जान गए। आपको 69 दिख रहा है या 96 दिख रहा है, लेकिन इसके साथ ही दूसरे नंबर भी दिख रहे हैं, आपको 4 दिख रहा है, आपको ड्रीम्स में सपने में कोई नंबर दिख रहा है, आपने यूनिवर्स से कोई क्वेश्चन पूछा, आपको नंबर दिखने लगे। और इवन लोगों को 6, 6, 7, 7, 8, 8 मंथ तक नंबर दिखते हैं, वो भी एक ही, इसका क्या मीनिंग है? अचानक दिखना बंद क्यों हो जाते हैं? और सीरीज़ में नंबर की मीनिंग की बताऊंगा, और जो लोगों को दूसरे नंबर फ्रीक्वेंटली चेंज होते हुए दिख रहे हैं इसका क्या मीनिंग होता है, ये सभी को एक वीडियो में इंक्लूड करूंगा। देखिए, हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी ऊर्जा स्तर, देखिए हम जब खुश होते हैं तो हमारी लाइफ में उसी तरह के खुश लोग दिखाई देते हैं, अगर हम सैड हैं तो हम सैड सॉन्ग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम ऐसे चीज़ों को ढूंढते हैं जो हमें और ज़्यादा सैड बनाती है। मतलब सेम फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, आपकी सेम फ्रीक्वेंसी का कोई फ्रेंड होगा वो आपके पास आ जाएगा। इसीलिए मेडिटेशन करते समय हम अपने कॉन्शियसनेस को राइज करते हैं, अगर हम कार्मिक एनर्जीज में रहेंगे, हमारी कार्मिक ऊर्जाएं रहेंगी, तो हमारी लाइफ में कार्मिक लोग आएंगे, जिस जो हमारी लाइफ को रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज बहुत ज़्यादा टफ बना देते हैं, हमारा जीवन ओवरऑल हेल हो जाता है उस केस में। इसीलिए हम इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को राइज करते हैं, और जब हम वाइब्रेशंस को राइज कर रहे होते हैं या इस प्रोसेस में होते हैं अवेकनिंग के या ट्विन फ्लेम की जर्नी में होते हैं, तो हमको डिफरेंट नंबर्स दिखते हैं, क्योंकि वो भी एक फ्रीक्वेंसी को, एक वाइब्रेशंस को दिखाते हैं। मान लीजिए आपको 2 दिखता है, 2 चंद्रमा का नंबर है, आप इन नंबर्स की मीनिंग जान लीजिए, उस ग्रह को पहचान लीजिए। 3 नंबर गुरु टीचर का नंबर है, डैट मीन्स आपके विश, आपके फुलफिलमेंट और डिज़ायर से कनेक्टेड है वो। 4 नंबर राहु का नंबर है, जब आपके लाइफ में किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स, किसी तरह की न्यू थिंकिंग या एक्सपीरियंस आने वाला होता है, तो 4 किसी ना किसी फॉर्म में या किसी ना किसी रूप में आपको ज़रूर दिखाई देता है। अगर 5 आपकी लाइफ में रिपीटेड दिख रहा है, तो मरकरी का ये नंबर है, बुध का ये नंबर है। मरकरी
हमारे लाइफ में बुद्धिमता को, हमारे आईक्यू के, हमारे डिसीज़न ले लेने को दिखाते हैं, हमारे हार्ट चक्र को दिखाते हैं, हमारी एबिलिटीज़ को दिखाते हैं कि हम लॉजिकली कितना सोच पा रहे हैं। हार्ट चक्र के इमोशनल साइड को नहीं, क्योंकि वो तो मून दिखाते हैं, वीनस दिखाते हैं, हार्ट चक्र के लॉजिकल साइड्स को दिखाते हैं, जैसे कि हम बैलेंस अप्रोच से इमोशंस को देख पाएँ। इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं उसको। अब दूसरा नंबर है, नंबर 6, जिसे मैंने बताया था 69 वाले वीडियो में, 6 नंबर वीनस का होता है, सौभाग्य का, लक्ष्मी का, फेमिनिन एनर्जी का नंबर है। तो जाहिर तौर पे ये नंबर दिखने का मतलब आप में फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है, आपको फीलिंग्स को ध्यान देना है, आपको इमोशंस को ध्यान देना है, राइट। 7 नंबर, 7 नंबर मिस्टीरियस नंबर है। ये एंजेलिक नंबर आपको तब ज़्यादा दिखता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में या डीपनेस में जाते हैं, जब आप रिसर्च करने जा रहे होते हैं या रिसर्च करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, तब इस तरह का नंबर दिखता है। और ये नंबर आप दूसरे के साथ कनेक्ट करिए, बहुत ही स्मार्टली कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी इसका मीनिंग है। जैसे कि आपके जुपिटर 3 और 7 आपको एंजेलिक नंबर दिख रहा है, डैट मीन्स गुरु की ऊर्जा और आप 7 की एनर्जी मिक्स कर दीजिए, आपको उसी तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। लाइफ के डीप आंसर्स कभी गूगल से नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं पर्सनल सेशन के दौरान, सर मुझे कोई एंजेलिक नंबर दिखा और मैंने उसको गूगल किया तो इसकी मीनिंग ये थी। सम टाइम हमारी इंडिविजुअली एनर्जी अलग होती है, तो हमें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए और हमारी लाइफ का फोकस कहाँ जा रहा है, हम इंडिविजुअली कैसा फील कर रहे हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बल्कि इनकी मीनिंग पे नहीं। आप उसको ऑब्जर्व करिए कि हाँ ये मैसेज मिला है, और उसको पकड़ के ना रखिए, दिस इज वेरी डेंजरस। क्योंकि आप, कृष्ण कहते हैं, आप अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो उसमें अटैच हो जाएंगे, उस फीलिंग में, उस एनर्जी को कभी रिलीज नहीं कर पाएंगे। और कार्मिक ऊर्जाओं को रिलीज ना कर पाने के कारण हमारी लाइफ में और ज़्यादा कार्मिक लोग आएंगे। तो हम आगे नंबर की बात करते हैं, नंबर 8। किसी भी तरीके से 8 सीरीज में दिखे, रिपीटेड दिखे, या किसी के भी साथ दिखे, तो ये कार्मिक नंबर एक तरह का होता है, हमारे कर्म से रिलेटेड होता है, क्योंकि 8 नंबर सैटर्न का, शनि का होता है। शनि हमको हमारे पास्ट लाइफ में किए गए कर्मों से कनेक्ट करते हैं। अगर किसी भी तरह से अच्छे कर्म नहीं किए गए हैं, या अच्छे, बहुत अच्छे कर्म भी किए गए हैं, या आप के अंदर अवेकनिंग होने वाली होगी, तभी भी 8 से कनेक्टेड है। या 8 नंबर आपको डीप थिंकर बनाता है, आपको ज़्यादा और ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, हर चीज़ को बहुत एनालिसिस अच्छे से कर पाते हैं, आप किसी चीज़ की गहराई में भी बहुत अच्छा आसानी से जा सकते हैं। 8 नंबर को आप लगातार देख रहे हैं। नंबर 9, जैसे मैंने बताया, मस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आपकी लाइफ में बार बार रिपीटेड आना आपको मस्कुलिन एनर्जी को और बैलेंस करना दिखाता है। आपको ज़रूरत है मस्कुलिन एनर्जी की बैलेंस करने की। और तब क्या होता है, जब ये नंबर आपको रिपीटेड साथ में दिखने लगे, या अल्टरनेटिव दिखने लगे, या किसी भी तरह से मिल के दिखें, तो इसका मतलब आपकी फ्रिक्वेंसीज, आपकी वाइब्रेशन स्थिर नहीं है। आपको अपनी वाइब्रेशंस पे, अपने चक्रों पे ठीक से ध्यान देना चाहिए, और इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। जैसे ही देखिए आप अपनी इमोशंस को, अपने लॉजिक स्किल्स को बैलेंस कर लेंगे, तब आपकी लाइफ में वो ग्रोथ आ जाएगी। आप अगर ट्विन फ्लेम की जर्नी में होंगे, तब अगर आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं रिपीटेड, बार बार बदल बदल के, तो आपकी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप अच्छी ज़रूर नहीं चल रही होगी, ईगो क्लैश ज़रूर हो रहा होगा। आप नोटिस कर लीजिए, बहुत सारे, आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस थिंग, कि मैं जितने भी लोगों को हॉरोस्कोप एनालिसिस करता हूँ या न्यूरोलॉजिकल चार्ट बनाता हूँ, तो मैं देखता हूँ जितने भी लोगों के लाइफ में रिपीटेड नंबर बार बार चेंज हो रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, तो उनकी ईगो क्लैश ज़रूर होता है, उनके DM या DF में फाइट होती है, और ये फाइट आपको कहीं ना कहीं सेपरेशन की ओर भी ले जा सकती है। तो बैलेंस यूनिवर्स चाहता है, हमारी आत्मा चाहती है, उस चीज़ की ओर ध्यान देना होता है। अब हम अगर बात करें, ये नंबर आपकी मीनिंग जान गए, 69 डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग जान गए। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है, जो अगर आपको साइन ट्विन फ्लेम के दिख रहे हैं किसी भी तरीके से,
तो क्या आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हम ये पक्का कर सकते हैं? ये एक चीज़ होने पर और दिखते हैं, सोल कनेक्शन होने पर, जब आपकी एनर्जी कम्प्लीटली मैच करें। कब मैच होंगी? जैसे ही आपका जो एलिमेंट है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, किसी दूसरे पर्सन से सोल कनेक्शन होने पर भी मैच करती हैं। ट्विन पे सिमिलर आइडेंटिकल सोल की एनर्जीज होंगी, ब्लूप्रिंट सेम होगा, आप कॉर्ड कनेक्शन से एकदम कनेक्टेड होंगे। वहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो एकदम सेम होगा, एक ही सोल है ना। लेकिन सोलमेट भी कुछ इस तरह के होते हैं जहाँ पे आइडेंटिकल होती है एनर्जी। कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और हम किसी की फ्रीक्वेंसी के एकदम बराबर भी पहुँच जाते हैं तो हम उनसे कनेक्ट कर लेते हैं, हम उनकी टेलीपैथिकली उनसे एनर्जी रिसीव कर सकते हैं, इवन उनको एनर्जी सेंड भी कर सकते हैं और हम उनकी एनर्जी, उनकी इमोशंस को लगातार फील भी कर सकते हैं। आप इस रिलेशनशिप में ये है क्योंकि सोल कनेक्शन, लेकिन आपकी वाइब्रेशन सेम स्टेज पे पहुंच चुकी हैं, इसलिए ट्विन फ्लेम के साइन आपको मैच ज़रूर करेंगे। उस फेज़ में आप बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझते हैं इसको, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हीलिंग आपको उसी तरह से करनी है, आप इमोशनली फील उसी तरह से करेंगे और ये रिलेशनशिप भी आपको उसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे, उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर ले जाएगा। होपफुली आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, नंबर्स के और इस साइन मैच करने के। नो डाउट बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन इस बर्थ में, इस जीवन में मिल पाना पॉसिबल थोड़ा कम ही होता है। अगर मिल गए हैं तो उनकी ज़रूर रिस्पेक्ट करें, उस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, जिसमें हमारे रेगुलर अपडेट भी आप तक रेगुलरली पहुँच सके। मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों।